अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मनाल कहूँ या भाभी। जो भी कहो, उसमें इज्जत ना हो, मोहब्बत हो। वो क्यों? इज्जत में पहली शर्त फासला है, और मोहब्बत फासला खत्म करके शुरू होती है। मरियम ने बताई है मुझे सारी वजह इस जल्दी की। देखा अब्बा जी, आपने क्या किया उन्होंने इसके साथ? लेकिन बेटा, तूने इससे शादी करके मेरे खून का भरम रख लिया है। बहरहाल उन लोगों ने बहुत जुल्म किया इसके साथ, बहुत जुल्म। आंखें छीन ली इसकी, अपनी बीवी छोड़ दी, और फिर सबका ब्लेम हमें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता इरफान साहब को हो क्या गया है। मेरा फोन भी नहीं उठाते, मैंने बड़ी कोशिश की बात करने की। भाजी आपको क्या जरूरत है फोन करने की? क्या मतलब बेटा? और बेवकूफ बेटी दिए बैठा हूं उस बिरादरी को, क्या करूं? अब्बा जी अगर वो मरीम की इज्जत करते होते ना, तब हम भी ये बातें सोचते। अच्छा तू मुझे ना समझा, सुना तूने? मैं तेरे वलीमे पे इरफान साहब को बुला रहा हूं। ठीक है, लेकिन वो समझे कि हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक मतलब? अपनी हार का ऐलान समझेंगे वो, क्योंकि आज तक वो हमें अपनी मिल्कियत ही समझते हैं। चलो ऐसा है तो मुझे भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं बुलाऊंगा जरूर। पता नहीं, लेकिन मैंने अभी तक परिमे का डिसाइड नहीं किया। लेकिन मैंने कर लिया। अब हर फैसला तू ही करेगा क्या? बेवकूफ बड़ा बनता है। क्या हुआ मनाल? बस उस वक्त से डर लगता है जब सब मुझे माजूर समझने लगे हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यहाँ पर ऐसा नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम्हें पता है मरियम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत हमदर्दी से थी, हमेशा से। उस नफरत की इतनी बड़ी सजा मिली है मुझे, मैं मुस्तकिल हमदर्दी की वजह बन गई हूँ। हमदर्दी की जरूरत तो उन लोगों को है जिनकी आंखें हैं और फिर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता, तुम्हें नहीं। ये मैंने चाय डाल लिया, लेकर चलें। आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, ध्यान करना आगे स्टेप है ना। यहाँ? हाँ हाँ, आ गया आ गया। हेलो। ओ मुरीद चाचा, कैसे हैं आप? खैर मुबारक जी। आपको किसने बताया मुरीद चाचा? अब्बा जी ने। जी मैं आपको बताता हूँ वेन्यू का। कल का ही होगा, अब्बा जी ने बताया आपको तो। जी मैं सबको बता देता हूँ। जी जी मैं बता देता हूँ। खुदा हाफिज। मरियम, अब्बा जी ने वलीमे की डेट भी सेट कर दी कल, और सबको इनवाइट भी कर दिया उन्होंने। क्या? मुझे तो नहीं पता। और क्या यार, गांव से मुरी चचा का फोन आया मुझे अभी। मुरी चचा का? चलो इसका मतलब है पूरे गांव को पता चल गया होगा। सिर्फ पता नहीं चल गया, उनके साथ ही बैठे हुए थे सारे, यहाँ आने के लिए बस वगैरह करवा रहे थे, मुझसे वेन्यू पूछ रहे थे। अब्बा जी ने मुझे बताया था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मना किया था। अच्छा, यानी मेरा वलीमा और मुझे छुपाया जा रहा है। अगर पूरे गांव को पता चल गया तो इसका मतलब है उनको भी पता चल गया होगा। अब्बा जी भी कसम से हाथ करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह से हमने शादी की है उस तरह तो लोग गुनाह करते हैं। शादी की है तो उसमें छुपाना क्या?
वैसे अब्बा जी है कहाँ पे? अब अगर तो उन्होंने कल का वलीमा रखा है तो फिर तो इंतजामात करने गए होंगे ना? इंतजामात नहीं, इरफान को इनवाइट करने गए होंगे। क्या ये तो नहीं बताया उन्होंने मुझे? क्यों, अगर बताते तो साथ जाती उनके? हाँ वहां जरूर जाती। यार मनाल प्लीज इस तरह की बातें मत करो। मरियम प्लीज यार तुम ही अब्बा जी से बात करो, समझाओ ने, रोको ने, कि वो पहुंच ना जाए प्लीज। हाँ बेटा। हेलो अब्बा जी, अब कहाँ पर हैं आप? मैं इरफान साहब के घर पे हूँ। जी मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं घर आके तुम्हें बताता हूँ। जी अब्बा जी इरफान के घर पहुंच गए। अपने बच्चे की शादी का बताने आया है या मेरी हार का बताने आया है? मैं अब तक नहीं समझ सका इरफान साहब जी कि दो बच्चों की मोहब्बत आपकी हार कैसे हो सकती है। दीन इतना मासूम तो है नहीं जितनी मासूमियत से तूने ये सवाल किया है। मैंने मासूमियत से नहीं, हैरत से सवाल किया है। गल सुन, पैर की जूती को सर पे पहनने का रवाज तेरे यहां होगा, हमारे यहां नहीं होता। साहब जी अब तक मैं अपने बच्चे में ही गलती ढूंढ रहा था, लेकिन लेकिन क्या है तेरा मतलब है सारी गलतियां मुझ में? अल्लाह ना करे, गलत सही का तराजू तो इंसान के नहीं ऊपर वाले के हाथ में है साहब जी, और वो खुद फैसला कर देता है। वो इसमें कोई शक नहीं कि फैसला ऊपर वाले के हाथ में, तो फिर जो होगा उसे ऊपर वाले का फैसला समझ के कबूल कर लेना। अब इससे ज्यादा और क्या होगा, जो हो चुका है। मनाल की आंखें चली गईं। ओहो तो बच्चों ने ठीक ठाक सबक याद करा के भेजा अब्बा जी को। साहब जी मुझे समझ नहीं आती आप किस गलत फहमी का शिकार है। ना अहमदीन ना, गलत फहमी का शिकार मैं नहीं तू है। तेरा पुत्र मेरे खिलाफ जो जो कर चुका है या जो जो कर रहा है उसका जश्न तो मैं बाद में मनाऊंगा। मैं उसमें जरूर हाजिर होऊंगा साहब जी, लेकिन फिलहाल आपको कल मेरे बेटे के वलीमे में जरूर आना है। एक निकाह याफ्ता से तेरे पुत्र ने ब्याह किया है, ये ना हो कि वलीमे वाले दिन तेरे पुत्र को पुलिस पकड़ के ले जाए। ये तो इतना कच्चा रिश्ता होता है साहब जी कि सच्चा भी हो तो तीन हरफ से टूट जाता है, वो तो फिर जाली था। अहमदीन साहब जी मनाल अब मेरे घर की इज्जत है, कुछ उस पसीने का ही ख्याल कर लें जो मैंने आपकी खातिर बहाया है। गांव वापस चला जाए मदीन, वरना वापस जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हम तो भूख में भी हंसने वाले लोग हैं साहब जी, हमें ये चीजें नहीं डराती, हमें तो ये डर लगता है कि मोहब्बत ना रही तो फिर हम क्या करेंगे। कल जरूर आइएगा, सिर्फ एक दिन के लिए अपनी नफरत भूल कर आ जाइएगा, मैं इंतजार करूं। सुन अभी फौरन निकल और कल के लिए हॉल की बुकिंग कैंसिल करवा, बेशक किसी और नाम की कर दे, जितने मर्जी पैसे लगे बुकिंग हमारी होनी चाहिए, और उससे कहना कि कैंसिलेशन की खबर एन वक्त पे पार्टी को दे, और उसे कह अभी छुपा रहे, जब बाहर आना होगा तो बता देंगे, फिलहाल तुझसे जो कहा है वो कर।
एक तरह से अच्छा ही हुआ आपको पता चल गया। पता तो मुझे पहले ही से था बेटा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि इतना कुछ खोने के बाद शायद इरफान साहब को एहसास हो जाए। खोने के बाद नहीं, छीनने के बाद। और इस सब के बाद भी उनकी ना दिल की आग नहीं बुझी। तो ऐसा कर बेटा, वो गांव वाली जमीन बेचकर मनाल को लेकर कहीं बाहर निकल जा। नहीं नहीं अब्बा जी, अगर डर के भागना ही होता तो बहुत पहले भाग जाते। अब बात और है बेटा, अब तेरे साथ एक जिम्मेदारी भी है। इरफान साहब ने तो नहीं रुकना। अब्बा जी अगर ऐसी बात ही है ना तो हमें भी रुकना नहीं चाहिए। वो अब्बा जी को उसने मना कर दिया है जमीनों पर काम करने से। अच्छा ही है, ऐसे शख्स की मुलाजमत से ना वाकई बेहतर है। मैं तो ये इसकी वजह से, मरियम की वजह से परेशान हूँ बेटा, पता नहीं क्या होगा। इसके साथ जो वो कर रहे हैं और कर चुके हैं उससे ज्यादा क्या हो सकता है। अच्छा तू मनाल से इस बात का जिक्र ना करना, वो बेचारी तो पहली अपने अंधेरों से लड़ रही है, ये सुनके और भी परेशान होगी। जो बदला वो मनाल से नहीं ले सका हमसे ले रहा। हाँ, और जो इस बच्ची के साथ हुआ है वो भी किसी के साथ नहीं हो सकता। समझ नहीं आ रहा इरफान से जान कैसे छुड़ाई जाए। अच्छा तू छोड़ इन बातों को, अपनी मुलाजमत की फिक्र कर। अब तो और भी जरूरी हो गया है। भाजी मैं इसीलिए वलीमे के हक में नहीं था, आपने बिला वजह सबको बुला लिया। बिला वजह? तू इसे बिला वजह कह रहा है? कोई गुनाह किया है जो छुपाना है? नहीं नहीं भाजी, ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं ना कि मनाल को दिखाई नहीं देता, और अगर ऐसे में किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा और मुझे भी। और कुछ नहीं होता, तू बेफिक्र हो जा, तू तैयारी पकड़ बस सुबह के वलीमे की। मरियम बेटा, वो जो रात को मैंने पहनना है वो शलवार कमीज सूट इस्त्री कर देना। लाइट का कोई पता नहीं ना कि कब चली जाए। अब्बा जी पहले से ही कर दिए ये वाले टूस। चलो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, बस चल पड़ी है गांव से। आहा? सारे लोग आ रहे हैं खैर से। अब्बा जी प्लीज सबको बाहर से रुखसत कर दीजिएगा, घर में कोई जगह नहीं है। जाहिर है यार, वो तो खुद नहीं रुकेंगे। हेलो, हाँ बात कर रहा हूं। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वलीमे में सिर्फ 2-4 घंटे रह गए और तुम कह रहे हो कि बुकिंग कैंसिल? गुस्सा करने वाली बात नहीं है, इस बात पे हाथापाई हो जाएगी। हाँ हाँ करूंगा, तुम एक बात गौर से सुन लो, हमारा फंक्शन वहीं पे होगा, समझे तुम? ठीक है, अगर तुम तमाशा चाहते हो ना तो तमाशा ही सही। फोन पे मैं सबको मना करता फिरूं, तुम्हारा काम ना कर दूं फोन पे। क्या हुआ? अब्बा जी आप जब इरफान साहब के पास गए थे आपने उन्हें बताया तो नहीं कि हम वलीमा कहां पे कर रहे हैं? हाँ तो 100% ये इरफान की शरारत है। ओ यार पूरी बिरादरी आ रही है, क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें? यही वाला मुंह दिखाएंगे अब्बा जी, लाइन में खड़े होकर बारी बारी उनको खाने का डब्बा देंगे और हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे बस। चुप, अकल आई बात किया कर, ये क्या कानून है? क्या शहर ऐसे होते हैं कि जिसका जब जी चाहे जिसको मर्जी जलील कर दे? मुझे रसीद दें सर। ये लो पक्की रसीद है, पूरी पेमेंट करके आया हूं। आप लोग बस तैयारी पकड़े, जैसा हमने प्लान किया वैसे ही होगा। हाँ यार
बहुत मुसीबत में डाल दिया यार। लाइट्स बंद करके बैठा हूं। हाँ हाँ यार, यही तो झूठ बोला है उनसे। नहीं यार, अभी नहीं आए। चल ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ओके। हाँ भाई, बड़ा अंधेरा किया होगा। जी सर, आपको तो पता है बिजली तो आती ही नहीं है और जनरेटर खराब है। ओह अच्छा अच्छा, खैर सर आप हुक्म करें। कुछ नहीं यार, ये मुझे तुम्हारा हॉल चाहिए था 2-3 घंटे के लिए। कब के लिए सर? कोई पार्टी वगैरह है? हाँ यार, एक तलाक की तकरीब है। जी सर, तलाक की तकरीब? क्यों भाई, जब शादी की तकरीब हो सकती है तो फिर तलाक ही क्यों नहीं, वो भी बाहमी रजामंदी के साथ। आज तक सुना तो नहीं। खैर कब की डेट है आपकी? आज की, अभी 2 घंटे बाद। सॉरी सर, आज तो नहीं हो सकता। मगर हमारे तलाक की तकरीब तो आज ही है और मैंने मेहमानों को तो यहाँ का एड्रेस भी दे दिया। सर आज तो पहले से ही एक बुकिंग कैंसिल की है, सब खराब पड़ा है। तो कोई बात नहीं, हम अंधेरे में कर लेंगे। अब आखिरी टाइम में मैं लोगों को मना तो नहीं कर सकता ना कि मेरी तलाक की तकरीब कैंसिल हो गई है। मुझे तो लगता है बॉस आप मजाक कर रहे हैं। मजाक करूं मैं? मजाक कर रहा हूं। तो फिर ये क्या है, हैं? ट्रेजेडी है। अगले 2 मिनट तक अगर जनरेटर ऑन ना हुआ तो मैं बिजली की तारें काटकर तेरे हाथ के साथ बांध दूंगा। सर जी मेरी बात तो सुने सर। 1 मिनट 50 सेकंड। सर जी खुदा के लिए, वो लोग मुझे मार देंगे सर। 1 मिनट 15 सेकंड। सर जी मैं डरता हूं, मैं डरता हूं सर। पचास सेकंड। जल्दी जनरेटर ऑन करो। हाँ हाँ मैं कह रहा हूं। 30 सेकंड। सर जी कर तो रहा हूं सर। 20। सर 1 मिनट, 1 मिनट सर। 10 सेकंड। हेलो, हाँ जल्दी करो यार, जल्दी करो। 7। सर कह दिया सर, मैं गरीब आदमी हूं सर। 6 अगर इस पार्टी को कोई भी मुश्किल पेश आई तो अगली गिनती 9 सेकंड से शुरू होगी। नहीं सर, नहीं आएगी। और ये डिशो में रोशोस है ना? सर सब कुछ है सर। हाँ ठीक है, और मुलाकात होती है तुझसे भी बाद में, टेंशन ना ली किसी चीज की, ठीक है ना? चल शाबाश। और ये तेरी रसीद। है ही डंडे का जमाना ये। अब तक 4 दफा फोन कर चुका है वो शादी हाल का मैनेजर कि सर कब आ रहे हैं, सर कब आ रहे हैं। शुक्र है अब्बा जी किसी ने तो साथ दिया, वरना तो मुझे डर ही लग रहा था। तुम तो सिर्फ डरे हुए थे ना, अब्बा जी सुबह से परेशान थे। ये लें चाय बाजी। लो अब तुम चाय बना कर ले आई। ओहो जल्दी जाके तैयार हो, वहां लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमने उन्हें रिसीव करना है। अब्बा जी मनाल को मैं तैयार कर रही थी, मुझे 5 मिनट लगेंगे, मैं तैयार हो जाऊंगी। अब ये जरा पकड़े। तुम्हारे 5 मिनट भी आधे घंटे के बराबर होते हैं। अब लग रहे हैं आप दूल्हा। अरे भाई अब हमारी उम्र कहां सजने बनने की। ओ भाई असली दूल्हा किधर खो गए? माशाल्लाह।
सर पे सेहरा कब सजा हुआ देखेंगे? ओ बस बुजुर्गो, इरफान आया हुआ है क्या? क्यों बार बार उसका पूछ रही हो तुम? इसलिए कि आज वो हार गया है, उससे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होगी। देखो मनाल, तुम्हारी खुशियों का वक्त है, प्लीज ऐसा मत सोचो। ऐसा वक्त जिसे मैं देख ही नहीं सकती, मेरी वजह से हुआ है ना ये सब कुछ, कि तो मुझे माफ कर दो मना। अफीरा, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये तो किस्मत का फैसला है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हुआ है जब तकदीर ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ज़ैन ने तारीफ दी, उसने बताया है मनाल को कब छोड़ेगा। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी पर सब खुश होकर आते हैं। अम्मा को चुप कराना बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर झूठ बोले उसे शादी कहते हैं। जी अम्मा, यही होती है शादी। देखो सब लोग खुश हो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है अम्मा। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। था मैं अकेला यादों में, जाने जा आज तू पास है। प्रेम और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा आज तू पास है। तेरी ही आहट है ऐसे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये ये समा
समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना जाने कोई मेरा, मौसम बहार का ये समा हले ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए ना, मर जाए मिट जाए हो जाए बदना। शुक्र है मेरे मालिक का, सब कुछ खैर आफियत से हो गया। वाकई दुआएं कर करके मेरा तो गला ही खुश्क हो गया था, मुझे तो डर लग रहा था अभी वहां पे इरफान आएगा और कोई ना कोई हंगामा कर देगा। जो उसके साथ हुई है मुझे नहीं लगता कि आइंदा वो कभी आंख उठाकर भी हमारी तरफ देखेगा। अच्छा भाई, अब काफी रात हो गई है, आप लोग आराम करो, जाओ बेटा ले जाओ। हाँ। कौन? क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं। ये क्या? कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो ना। दिखाओ इधर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैन, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं छोड़ूंगा इसको। तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब कुछ नॉर्मल रखो। क्या लेकिन मरियम, बेटा एक गिलास पानी देती जाना। प्लीज प्लीज नॉर्मल।
मरियम। हाँ मनाल। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। वाकई? बेशक जैन से पूछ लो। बताओ जैन। जैन। हाँ मना। तुम खामोश क्यों हो? जैन तो तुम्हें देखने में मसरूफ है। जैन। हाँ 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 मनाल। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है मनाल। नहीं जैन, मैं तुम्हारी चुप को भी पहचानती हूँ। ये वो चुप नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ है? मनाल कुछ नहीं हुआ। जैन सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है। तुम जूस पियो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। लो भाई अल्लाह बख्शे, इन दोनों की माँ कहा करती थी कि घर का असल मालिक वो होता है जिसके हाथ में घर का किचन होता है। सो आज से इस घर का बावर्ची खाना मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। अबा जी ये चम्मच ना पकड़ा, ऐसे कहीं बर्तन में घूमने के बजाय हमारे सरों पे ना घूम रहा हो। हाँ तो तुझे भी तो कंट्रोल करना जरूरी है। अब तो हम मनाल के हाथ के खाने खाएंगे। क्यों मनाल? मैं क्या कहूँ, इतनी मोहब्बत के सामने तो खामोशी से बेहतर जवाब क्या होगा। और नहीं बेटा, ये तो तुम्हें तुम्हारा हक मिल रहा है और कुछ भी नहीं। अबा जी आप हमारे बड़े हैं, आप बस दुआ करें कि मेरी आंखें वापस आ जाएं ताकि मैं आप लोगों की उसी तरह खिदमत कर सकूँ जिस तरह आपने सोचा है। रब बड़ा मेहरबान है बेटा, उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। भाई खाना तो बंद आंखों से भी बनाया जा सकता है। हाँ मरियम के हाथ का खाना खा के भी तुम्हें यही लगेगा जैसे उसने अपने नाक कान मुंह सब बंद करके बनाया। ठीक है, अब अपनी बीवी के हाथ के पके हुए खाने खाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं पका कर दूंगी। नहीं मैं किस तरह पकाऊंगी, मैं तो वो नहीं। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? मैं क्या करूंगा मनाल, इन आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ। इस तरह तो तुम हार मान रही हो। चलो तुम इस खीर में चम्मच चला, हर खुशी के मौके पे ना सैड नहीं हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, ताले चाबियों से नहीं खुलते, उस अंधे यकीन से खुलते हैं कि लोहे की ये छोटी सी पतरी इतना बड़ा आहमी ताला खोल देगी। सब ठीक हो जाएगा, बस अपना यकीन पक्का रखो। बेस्ट ऑफ लक। जैन,
इतनी देर शीशे के सामने मत बैठा करो, टूट जाएगा शीशा। मुझे क्या पता, हो सकता है मुझे देखकर मुंह चढ़ा रहा हो। तुम्हें देख के क्यों मुंह चढ़ाएगा, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे भी शीशा तो बहुत हुस्न परस्त होता है ना। तुमसे भी ज्यादा हुस्न परस्त है क्या? हाँ। तो फिर तुम इससे कह दो कि मेरी बीवी को मत देखो, उसे सिर्फ मैं देखूंगा। लेकिन मैं तो देख ही नहीं पा रहा तुम्हारी तरफ। क्यों? तुम्हारे पास तो आंखें हैं जैन, कम से कम तुम ही देख लो। इतनी तेज रोशनी की तरफ कौन देखेगा मनाल, बिल्कुल दोपहर के सूरज की तरह लग रही उस वक्त। एफएम ने तुम्हें बातें करना सिखा दिया है। सच बोल रहा हूं। कितनी ख्वाहिश थी मेरी इन लम्हों को देखने की, इनकी एक एक चीज याद रखने की। अच्छा मैं बताता हूँ इस वक्त क्या हो रहा है तुम्हारे सामने। इस वक्त शीशे के सामने एक बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और कमरे की सारी चीजें ना उसे गौर से आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हैं और इतनी गौर से कि शीशे क्या दीवार तक पे क्रैक हो गया है। सेन, प्लीज अपनी मोहब्बत को रोक लो जब तक मैं तुम्हें देख ना सकूं। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें, तुम्हारी मोहब्बत को। मनाल सहन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सोचा था तुम्हें बेपनाह मोहब्बत दूंगी। मुझे क्या पता था तुम्हारी मोहब्बत को देखने को ही तरस जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा मनाल, डॉक्टर्स बहुत होपफुल हैं। डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होना होता तो अब तक हो चुका होता। डॉक्टर्स को तो झूठ बोलना आता ही नहीं है। तो फिर किसी डॉक्टर से पूछ के बताओ कब आएंगी मेरी आंखें। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि अभी चलते हैं हम डॉक्टर के पास और डॉक्टर से पूछ के आते हैं। चलें, चलो, चलो।